बताया कि डिग्गी का लॉक तोड़कर 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। जब पीड़ित ने डिग्गी खोलकर देखी तो उसके होश उड़ गए। घटना कालपी कोतवाली के रेलवे स्टेशन की है, जहां रामगंज मोहल्ला निवासी पीड़ित संजय गुप्ता ने बताया कि दोपहर को बाइक से रेलवे स्टेशन के पास स्थित स्टेट बैंक पहुंचे थे और बैंक से 1 लाख रुपए निकाले। रुपए बाइक की डिग्गी में रख दिए और डिग्गी को लॉक कर पास ही लघु शंका के लिए चले गए। जब वह वापस आए तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई और जब डिग्गी खोलकर देखी तो डिग्गी से रुपए गायब थे। डिग्गी में रुपए न पाकर पीड़ित के होश उड़ गए, जिसके बाद कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संजय गुप्ता कहाँ के रहने वाले? कालपी के सूट एडस के नाम से आड़त हमारी। क्या घटना हुई आपसे? हम स्टेशन से पेमेंट रेलवे स्टेशन बैंक से पेमेंट 1 लाख रुपए निकाल के लाए सूट एडस की फर्म से, और आके हमने यहाँ पे मोटरसाइकिल हमारी खड़ी थी, मोटरसाइकिल की डिग्गी में हमने रुपए रखे बैग और लॉक लगा दिया और उसको स्टार्ट करते रहे, स्टार्ट नहीं हुई किसी कारण, और जबकि स्टार्टिंग करके रख के खड़ी करके गए थे गाड़ी, और स्टार्ट उसके बाद काफ़ी देर स्टार्ट करने के बाद फिर हम यहाँ से बगल में पास में ही पेशाब करने गए बिल्कुल थोड़ी दूर, उसके बाद लौट के आए, फिर हम फिर स्टार्ट की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ा आगे चल के हमने देखा कि डिग्गी का लॉक टूटा है और हमारे बैग निकल गया है। कितने पैसे थे? 1 लाख रुपये का। इसकी सूचना आप लोग अभी कोतवाली को देने जा रहे हैं। कालपी से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।